से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की, तीर्थंकरों के पांच कल्याणक होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा और कई बार पंचकर्णकों में जा करके देखा भी होगा। तीर्थंकरों को मोक्ष जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तीर्थंकर बनने से पहले भी बहुत कुछ पा चुके हैं, बहुत कुछ है उनके पास। जब वो तीर्थंकर नहीं बने हैं तब भी तीर्थंकर बन गए, केवल ज्ञानी हो गए, 64 रिद्धियां उत्पन्न हो गई, समोषण लग गया, ये सब बात का वैभव है। इसके पहले भी उनके पास, जब वो अपने गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, उस समय भी उनके पास बहुत कुछ है। वे सम्राट हैं, उनके पास रत्न है, उनके पास स्वर्ग से आया हुआ भोजन है, वस्त्र है, रक्षा करने वाले देव हैं। फिर उन्होंने परिग्रह छोड़ दिया। जब गले तक हर चीज को उन्होंने समझ लिया, हर चीज को देख लिया, हर चीज को जान लिया, हर चीज को उन्होंने अनुभव कर लिया, अनुभव करने के बाद उन्होंने कहा कि ये पांच पाप जो है वो संसार का कारण है। जो चीज उन्होंने अनुभव से कही वो चीज हमारे अनुभव में नहीं आई। उन्होंने अनुभव से कही क्योंकि वो गले तक भरे थे, उनके पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा था, संपत्ति थी, तो उन्होंने कहा कि धन जब तक परिग्रह का त्याग नहीं करेंगे तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब तक कुशील का सेवन त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रायः करके अधिकतम तीर्थंकर जितने भी मिले वो गृहस्थ मिले, पांच बाल ब्रह्मचारी बाल यति तीर्थंकर हो गए, वो भी कुछ काल का दोष है, नहीं तो 30 वर्ष की आयु के बाद शादी विवाह करने के बाद वो दीक्षित होते हैं। तो उनके पास वैभव कुछ अलग ही था। उन्होंने जो भी कहा अनुभव से कहा, हमने जो भी सुना वो अनुभव से नहीं सुना, हमने सिर्फ सुना कान से, लेकिन जब हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तीर्थंकर जिस स्थिति से वैराग्य को ग्रहण करते हैं, तीर्थंकर जिस ध्यान को लगाते हैं, तीर्थंकर जिस चीज को समझते हैं, वो करना हमारे लिए बड़ा अशक्त सा महसूस हुआ। उन्होंने कहा झूठ बोलना पाप है, और वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि बिना झूठ का सहारा लिए जीवन जीना पाप है। जितना झूठ बोलते हैं उतनी तरक्की होती है। इनकम टैक्स में झूठ बोलो, सेल टैक्स में झूठ बोलो, व्यापार में झूठ बोलो, घर में झूठ बोलो, दुकानदारी में झूठ बोलो, साधु से झूठ बोलो, मंदिर में झूठ बोलो, दुनिया में कहीं भी झूठ बोलो, तुरंत फायदा मिलता है। तुरंत मिलता है कि नहीं? देखो अनुभव की बात बोलो, क्या बोलता है अनुभव? क्या बोलता है, झूठ पाप है कि पुण्य है? ये तो तुम सुनी सुनाई बात कह रहे हो कि झूठ पाप है, तुम्हारे अनुभव से क्या है? हाँ देखो, कोई कोई लोग कहते हैं अनुभव से भी झूठ पाप है। झूठ क्या करता क्या है कि झूठ जो है
वह व्यक्ति की स्थिति को बनने नहीं देता, व्यक्ति को केंद्र तक आने नहीं देता। मान लीजिए आपने झूठ बोल दिया, मान लीजिए आपने हिंसा कर दी, हिंसा करना पाप है, वहां कह दिया, लेकिन यहां हिंसा ना करें तो काम भी नहीं चलता है। सुबह से देख लो आप अनछने पानी में हाथ डालने के साथ ही हिंसा शुरू हो जाती है। सो के उठे, सबसे पहले अनछने पानी में हाथ डाला, वहीं से हिंसा शुरू। कहां तक पानी छानेंगे, कहां तक छना हुआ खाएंगे, कहां तक कैसे जीवन करेंगे? तो भगवान कहते हैं हिंसा पाप है, झूठ पाप है, चोरी पाप है। और यहां जब अनुभव का जीवन व्यवहार का हम जीते हैं, तब इन पांच का सहारा लेना पड़ता है, तब जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। वहां कहते हैं परिग्रह को छोड़ो, परिग्रह का संचय करना पाप है। यहां पर अगर हम मान लो अपना परिग्रह छोड़ दें तो कोई कीमत ही खत्म हो गई, कोई जानते ही नहीं है। यहां परिग्रह में आनंद आता है, खूब जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, खूब जोड़ते जाओ, जितना जुड़ जाए और जोड़ते जाओ। बच्चे को तैयार कर दो, बहुत अच्छा पढ़ा दो, लिखा दो, सब कुछ कर दो, उसके बाद भी पिता को केंचुए जैसी स्थिति हो जाती है, जोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, वो जोड़ते ही जाता है। संसार में जो नियम है और जो जिनेन्द्र देव के नियम है, उन दोनों नियम में बड़ी कंट्रोवर्सी है बंधु। आप देख लीजिए, खुद अपने मन से पूछो, महाराज बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि झूठ बोलने का जो सुख मिलता है उसका कहना ही क्या है। हर जगह वो तुरंत, जैसे वो तुरंत गोली खाई बीपी की और तुरंत बीपी नॉर्मल हो जाता है, ऐसे झूठ जो है वो बीपी की गोली जैसा हो गया। तुरंत बोलते हैं, तुरंत उसका इफेक्ट सही सही दिखता है। लड़का कोचिंग्स के बहाने कहीं और से घूम फिर के आ रहा है, तुरंत पापा ने डांट के पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं, दोस्त के यहाँ गए थे, नोट्स बनाना था। कहाँ से आ रहा है वो तो बच्चे जानता है। फिर वो भगवान से कहता है, भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि संसार में झूठ बनाया, कम से कम पिता की मार से बच गए। दुकान में भी बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, आना ही चाहिए, क्योंकि वो संसार में रहने का कारण है, संसार से निकलने का कारण है। झूठ करिए, झूठ बोलिए, हिंसा करिए, चोरी करिए, आप देख लीजिए, आप टिकट के बिना ट्रेन में चढ़ जाइए, बस हो गया। फिर क्या आप आधे घंटे के लिए अच्छे से आंख बंद करके सो पाते हैं? आपके जीवन से क्या चला क्या जाता है, आप सोचिए कुछ। भाई आपको पता है कि ये ट्रेन में टीटी 300 किलोमीटर के बाद डिब्बे में चढ़ेगा, आपको बता दिया है। आप बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए, अब आपको 24 घंटे ऐसा ऐसा, अब आया कि कब आया, अब आया कि कब आया, आप क्या करते? आप हर 5 मिनट में अच्छी झपकी भी लग रही ना, तो अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है देखो टीटी ना आ जाए, तो फिर एकदम से एक आंख ऐसे खुलती है, नहीं आया ठीक, और जैसे ही मान लो टीटी आ गया तब फिर क्या दिखता है? फिर वो बाथरूम का दरवाजा दिखता है सीधे, क्या बड़े साफ सुथरे तरीके से आदमी उठता है और सीधे बाथरूम के लिए जाने लगता है। वो जो डिब्बों में दो दो दोनों तरफ बने रहते हैं ना, 4 बने रहते हैं, फिर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग घुसे मिलते हैं, और अपने मन के अंदर मानसिकता भी रहती है कि भैया टिकट लेके नहीं चढ़े हैं, रिजर्वेशन में नहीं चढ़े हैं, अगर टिकट टीटी आ गया तो हम तो आधा घंटे तक बाथरूम के अंदर ही चले जाएंगे, उसको खोलेंगे ही नहीं। चोरी क्या करती है, झूठ क्या करता है, आपको निशंकित होने नहीं देता, 24 घंटे शंकाशील बना के रखता है, अंदर से आपका मनोबल तोड़ देता है। आप किसी भी दुकानदार को आप देखिएगा, खुद का अनुभव देखिए आप, कि दुकान में आपने किसी भी सामान को बेचा, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट खराब है या टूट गया है या डैमेज है, और आपने उस प्रोडक्ट को बेच तो दिया, अच्छे पैसे भी ले लिए, लेकिन पूरे दिन व्यापार करते वक्त दिमाग में एक चीज रहती है कि ले तो गया है लेकिन शाम तक पक्का वापस लेके आएगा, और झगड़ा होगा, और झगड़ा चाहे कितना ही हो जाए, हम गाली 4 खा लेंगे लेकिन पैसा वापस नहीं करेंगे। झूठ क्या कराता है, पूरे दिन आपको शंका में डालता है, झूठ पूरे दिन आपको शंका में डाल के आपके अंदर दुखदुखी लगाता है, हिंसा आपके अंदर दुखदुखी लगाती है। आप किसी की हिंसा कर दीजिए, मान लीजिए किसी ने
संयोग बसात किसी कर्मोदय में किसी की हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद वो बाबा जी बन के घूमने लगा। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जिन पर्वतों में लोग बाबा जी बनकर के बड़े बड़े हत्यारे लोग भी रहते हैं और वहां पर फरारी काटते रहते हैं, लेकिन 24 घंटे 365 दिन 20 साल निकल जाने के बाद भी ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांच चीजें आदमी को अंदर से बहुत सलाती हैं। हिंसा करने वाले उस हिंसक को 24 घंटे लगता है कहीं ये सीआईडी तो नहीं है, घर के अंदर कोई पानी का बिल देकर लेने आएगा, वो दिमाग से पहले खोल करके छोटा सा छेद ऐसा बिल्कुल सुराग वाला पतला वाला, वो जो आपके यहाँ जो चर्मकार होते हैं, चर्मकार क्या करते हैं, बिरंची, वो छोटी सी होती ना जिससे जूते के ऊपर एक कील ठोकते हैं, उससे वो लकड़ी के उसमें बिल्कुल पतला सा छेद करता है और सामने से दिखता है बिल्कुल सही है, अंदर से वो ऐसा आँख खोल के देखता है कि कोई पुलिस वाला तो नहीं आया। एक दिन का रूल नहीं है, 365 दिन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांच चीजें। परिग्रह, अरे महाराज, जितना ज़्यादा परिग्रह जोड़ा उतने ज़्यादा बड़े आसामी कहलाते हैं। गलत फहमी में है बंधु, उनको सेटलमेंट करने में दिमाग खराब हो जाता है, चार सीए लगे रहते हैं, इनकम टैक्स वाले की रेट ना पड़ जाए, सेल टैक्स वाला ना आ जाए, जीएसटी वाला नहीं आ जाए, दो नंबर का कितना है, एक नंबर का कितना है, लाल कापी, हरी कापी, नीली कापी दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, और पता चल जाए कि मार्केट में एक भी दिन किसी टैक्स की रेट पड़ी है। उन परिग्रह में आनंद मनाने वाले जो लोग होते हैं उनके मन के अंदर हमेशा रहता है कि जिस दिन रेट पड़ेगी उस दिन कम से कम 20 लाख 30 लाख 40 लाख से सेटलमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा से भी करना पड़ सकता है। ये पांचों पाप बंधु आदमी को निशंकित होने नहीं देते, कभी भी वो निशंक होकर के ऐसा ध्यान मग्न नहीं बैठ सकता। और जो ये पांच पाप नहीं करता है उसके लिए कितना सहज होता है, किसी बियाबान जंगल में जाकर के शांति से बैठ गया, बैठा है, ध्यान कर रहा है, क्यों भाई, हमें किसी का डर नहीं, हमने किसी की हिंसा नहीं करी, हमने किसी बात में झूठ नहीं बोला, हमने किसी की सामग्री नहीं चुराई, हमने किसी भी परिस्थिति को आंख उठा करके नहीं देखा, हमने कोई ऐसे नैतिक अपराध नहीं किए, हमने कोई परिग्रह नहीं किया, फिर ध्यान की स्थिति बनती है। कितना सोच करके अनुभव में ला करके तो नहीं ये पांच पाप कहे, उन पांच पापों को सामने रख करके कहा कि इसको छोड़ने के बाद आपके ध्यान की सिद्धियां बनेंगी, इसको छोड़ने के बाद आपको सुख मिलेगा, फिर हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि उनके अनुभव की बात थी और हमारी समझ की बात थी। बहुत अच्छी बात यह हुई जीवन में कि 2000-2500 साल पुरानी कही बातें हमको ग्रंथों में लिखी मिल गई, ग्रंथ बच गए। सोचो 2000 साल पहले कुंदकुन भगवान ने किसी पुस्तक को लिखा होगा, कितनी त्रासदियां आई, कितना विप्लव मचा, कैसे कैसे लोगों ने पूरे भारत की वसुंधरा को लूटा, लेकिन तीर्थंकरों की देशना से निकलने वाले वे शब्द गर्दन प्रभु के कंठ से उच्चरित होकर के ग्रंथों में गुम्फित होकर के हमको 2000 साल बाद भी मिल गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी, अतीव सौभाग्य की बात थी कि हमारे हाथ में ग्रंथराज समय सार आ गया, पंचास्तिकाए आ गई, प्रवचन सार आ गया, अष्टपाहुल आ गया, धवला जय धवला जैसी पुस्तकें आ गई, और भी अच्छे अच्छे ग्रंथ आ गए जिनके माध्यम से आज भी इस बात की हम अनुभूति करते हैं, हम समझते हैं, अनुभव में क्या आता है वो तो आप जानेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि आचार्यों ने, बड़े बड़े सम्राटों ने, बड़े बड़े तीर्थंकरों ने ये बात कही है कि इससे होता है। अब बड़े बड़े सम्राटों ने जो बात कही, तीर्थंकरों ने जो बात कही, गर्धरों ने जो बात कही, और पुस्तकों में गुम्फित होकर के ग्रंथों का रूप लेकर के सामने आकर के रख दी गई, वे ग्रंथ थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे मिलेंगे। कितने मिलेंगे प्रमाण नाप नहीं सकते, फिर कितना क्या कर रहे महाराज, उनको आचार्यों ने वर्गीकृत किया, चार अनुयोगों में बांट दिया, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन चार अनुयोगों में जैन दर्शन के वे चारों के चारों पूरे जितने भी ग्रंथ हैं वे सब बटे हुए हैं। अब इसमें भी वे चार ग्रंथ के अंदर तीन प्रकार की भाषाएं लिखी हैं,
एक उन्हीं ग्रंथों के अंदर आचार सूत्र मिलते हैं। आचार सूत्र क्या है, जिसके माध्यम से अगर मान लीजिए आपने कोई व्रत ले लिया है, पंचम गुण स्थान को स्वीकार किया है, व्रती बने हैं, गृहस्थ में है, तो कैसा आपकी आचरण पद्धतियां होंगी, तो श्रावकाचार लिख दिया। मुनि महाराज कैसी चर्या करेंगे, आचार सूत्र है, तो वो क्या कर दिया, मुनि महाराज क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे जिएंगे, उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगी, तो उसके अनुशासन कैसा होगा, उसके लिए आचार सूत्र में मूलाचार लिख दिया, मूलाचार प्रदीप लिख दिया, आचार सार लिख दिया, ऐसे कई ग्रंथ कर दिए। चार अनुयोगों में तीन सूत्र चलते हैं। पहला चलता है एक आचार सूत्र। आचार सूत्र में गृहस्थों के लिए साधकाचार और बड़े बड़े दिगंबर गुरुओं के लिए मूलाचार। अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि दुनिया में दिगंबर साधु को लोग वीतरागी कहने लगे। आप लोगों भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वीतरागी मुनि महाराज मिल गए। दिगंबर साधु में निर्ग्रंथपना देखा जाता है, वीतरागीपना नहीं दिखता। वीतरागी अलग वस्तु होती है और निर्ग्रंथपना अलग वस्तु होती है। बंधु, बात चूंकि बताने की है, बताना उचित समझता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप दिगंबर जैन साधु को वीतरागी मत समझिएगा। छदमस्त होते हैं, जैसे झूला झूलता रहता है, वैसे उनका ज्ञान भी छद्म मतलब ढका हुआ रहता है, उसी में स्थित रहते हैं। तो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, उनके अंदर वीतरागता नहीं होती। दिगंबर जैन साधु वीतरागी नहीं होते। अरे महाराज, आज तक तो हमने सुना था कि दिगंबर जैन साधु वीतरागी होते हैं, धारणा बदलिए, दिगंबर जैन साधु निर्ग्रंथ होते हैं। उनके पास परिग्रह नहीं होता, उनके पास किसी भी चीज की भौतिक संसाधन नहीं होते, वो दिगंबरत्व तो कहलाता है कि हम हर चीज में निर्ग्रंथ हैं, ग्रंथियां नहीं है हमारे पास, अंदर भी कसाय की ग्रंथि नहीं है। लेकिन कसाय नहीं है ऐसा नहीं कहिएगा, कसाय तो है। कसाय का अगर उदय नहीं होता तो फिर उन साधुओं को यथाख्यात चारित्र भी प्राप्त हो जाता। कसाय ही है जो आदमी को रोक करके रखी है। छठवें सातवें गुण स्थान में वीतरागता ढूंढना और वीतरागी कहना, अपने आप में आप लोगों को शब्द को थोड़ा सा सुन करके संभाल लेना चाहिए कि हम जब भी किसी साधु को देखेंगे तो उनके अंदर निर्ग्रंथता देखेंगे। अब किसी भी साधु को मान लीजिए आप गुस्साते हुए देख लें, तो बोले अरे महाराज को तो हमने सुनी थी कितने वीतरागी होते हैं जे, महाराज जी तो गुस्सा हो रहे हैं। तो भैया आज सुन लो, महाराज निर्ग्रंथ होते हैं, वीतरागी नहीं होते। वो सबसे ज्यादा रागी और द्वेषी भी होते हैं, अच्छी चीजों से राग करते हैं, बुरी चीजों से द्वेष भी करते हैं। जो चीजें अच्छी नहीं है वो बिल्कुल दूर ले जाओ। इन सब चीजों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, साधक को व्यवस्थित रखने के लिए जैन दर्शन में आचार सूत्र लिखे। आचार सूत्रों में एक बहुत बड़ा ग्रंथ का समुदाय चला गया। उसके बाद एक और सूत्र लिखेगा जिसको कहते हैं विचार सूत्र। लोकालोक विभक्तेर युग परिवर्तेस चतुर्गति नाम च। आपको आसमान में खगोल की स्थिति क्या होती है, भूगोल की स्थिति क्या होती है, संसार की स्थिति क्या होती है, कर्म की स्थिति क्या होती है, जीव कहाँ से आता है, गतियाँ कैसी होती हैं, कहाँ जाता है, प्रदेश बंध क्या होता है, स्थिति बंध क्या होता है, अनुभाग क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, योग क्या होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी बहुत सारे विचार सूत्र के ग्रंथ मिल जाएंगे। धवला मिल जाएंगी, दह जवला मिल जाएंगी, पंचास्तिकाय मिल जाएंगे। आप विचार करते रहिए, आप आगे उसमें और डेवलप होते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए। उस विचार करते 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 आपका एक बहुत लंबा काल साधना का, इधर आचार सूत्र के साथ, इधर विचार सूत्र के साथ, दो सूत्र किसी जीवन में लगा दिए। अपने जीवन में टटोलिएगा, क्या जिन कुल में आने के बाद भी हमारे जीवन में जिन कुल का कोई आचार सूत्र लागू हुआ। छोटा सा नियम महाराज, छोटा सा नियम बस, कितना, 7 बजे तक का 6 बजे तक का, बस 6 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग। छोटा सा नियम ले लिया, मान लीजिए महाराज 3 महीने तो बहुत अच्छे से चला, 1 दिन टूट गया। नियम नहीं टूटा बंधुओं, नियम टूटने से पहले तुम्हारी श्रद्धा टूट गई। आदमी नियम बाद में तोड़ता है, पहले नियम के प्रति अपनी श्रद्धा तोड़ देता है। वे भील कैसे होंगे
जो जंगल में मुनि महाराज से नियम ले लेते हैं, किस बात का? महाराज संकल्प करते हैं कौवे का मांस नहीं खाएंगे चाहे मर जाएंगे। छोटे से नियम ने देवता बना दिया, महाराज कोई मांस नहीं छोड़ सकते, इतना सा नियम ले लेते हैं, मांस का ये कौर ऊपर मुंह में डाल रहे हैं और दूसरा हाथ में रहेगा, उठाने धरने के बीच में जितना समय बचता है बस इतनी देर के लिए त्याग है, इतना सा नियम ले लिया। श्रद्धा कितनी जबरदस्त चीज होती है आप देखो, लेकिन हमने छोटा सा नियम, अपने जीवन का कोई ऐसा नियम खुद ढूंढ के बताना आप कि जो आपने कभी बचपन में लिया था और आज तक निर्दोष पालन कर रहा है। सियार पालन कर लेता है, सुअर पालन कर लेता है, भील पालन कर लेता है, लेकिन जिन कुल में आने के बाद एक जैनी बड़े बड़े नियम, छोटे छोटे नियम लेकर के तोड़ देता है। छोटा सा बहाना मारता है, महाराज डायबिटिक बहुत बढ़ गई थी और रात को 9 बजे हमारे बच्चे ने इंजेक्शन लगा दिया, एक मीठा खिला दिया और कुछ करा के और गोली खिला दी। कितने हल्के हैं हम, लेकिन कितना अच्छा है वो सियार, कितना अच्छा है वो सुअर, कितना अच्छा है वो भील, कितने अच्छे हैं वे लोग जो जंगलों में रह करके जिन धर्म से उपदेशित किसी साधुओं की कोई भाषा सुनी और जीवन भर के लिए उस चीज का त्याग करके और अपनी स्वर्ग की यात्रा पे निकल गए। ऐसा आचार सूत्र आपके जीवन में कोई एकात है कि नहीं? उम्र 80, 78, 75, 70 से लेकर के 15, 17, 5, 7, 8 की होने को आई है, किसी के जीवन के 80 साल निकल गए हैं और किसी के 80 बाकी हैं, लेकिन कभी अपने आप में सोचिएगा कि इतनी बड़ी आचार सूत्र की श्रृंखला जैन दर्शन में मिली, जिन कुल मिला, लेकिन क्या हमने कोई एक नियम निर्दोष तरीके से जीवन भर पाला है? आपको पता चलेगा साधु कैसे पालते। आचार सूत्र, विचार सूत्र, पाप पुण्य क्या होता है, कैसे मोक्ष मिलता है, कैसे गति आगति होती है, कैसे नरकों में जाते हैं, क्या करते हैं तो आगे जाकर के तिरंज गति मिलती है, कैसे देव गति मिलती है, ये ऐसे विचार सूत्र के, कर्णानुयोग के, द्रव्यानुयोग के इतने ग्रंथ पड़े भरे पड़े हैं कि जिसमें साधु बनने के बाद वो कमरे में 24 घंटे बैठे बैठे क्या करेगा। एक साधु को शाम को 7 बजे सुला दो, सात का शाम को 6 बजे सुला दो, अब कितनी देर सुलाओगे आप उस साधु को? किसी आदमी की कितनी कैपेसिटी है, कितना सोएगा वो? 6 से लेकर के सुबह 6 बजे तक सुला दो, चलो 12 घंटा सुला दो, उसके बाद वो 12 घंटे क्या करेगा? किसकी हिम्मत है 12 घंटे एक साथ सोने की, बताइए? थक जाता है आदमी, 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे सोता है, साधु रात को 2 बजे 2:30 बजे उठ जाता है, क्यों? इससे ज्यादा सो भी नहीं सकते, शरीर लेटे लेटे भी दर्द करता है। तो वो विचार सूत्र काम करते हैं कि 24 घंटे क्या करेगा, विचार सूत्र। ये दो जीवन में सबको मिलते हैं बंधु, लेकिन विकास सूत्र जीवन में किसी किसी को मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी ग्रंथ हुए जो विकास सूत्र के नाम से प्रचलित हुए, प्रायः करके जब गुरुदेव किसी भी साधु को दीक्षित करते हैं, चाहे वो छुल्लक बनाते हों, आरिका बनाते हों या मुनि महाराज बनाते हैं, गुरुदेव मंच में हमेशा पिछी कमंडलों के साथ एक धर्म ध्यान नाम की पुस्तक दे देते हैं। उस धर्म ध्यान की जो पुस्तक है उसमें कोई धवला जय धवला के कोई ग्रंथ के कोई श्लोक नहीं लिखे रहते, उनके अंदर कोई श्रावकाचार भी नहीं लिखा रहता है, कोई मूलाचार भी नहीं रहता है। उस ग्रंथ के अंदर जो है, आप कभी धर्म ध्यान की पुस्तक उठा करके देखिएगा, उसमें जीवन के विकास सूत्र लिखे रहते हैं। और पूज्य गुरुदेव स्वयं, आप कभी उनकी टेबल कभी देखिएगा बंधु, आचार्य सी जी की टेबल में, अगर मेरी बात सुनकर के आपका मन बन रहा हो तो आप जाकर के डोंगरगढ़ में उनके कमरे में टेबल देख करके आइएगा, उनकी टेबल में एक छोटी सी पुस्तक रखी है जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने आज से 55 साल पहले उनके हाथ में दी थी। वो विकास सूत्र था। उस विकास सूत्र में क्या है, तत्वास सूत्र रखा है, प्रतिक्रमण की है, पाक्षिक प्रतिक्रमण है, दैवसिक प्रतिक्रमण है, फिर जितने भी स्त्रोत्र पाठ हैं सारे के सारे स्त्रोत पाठ लिखे हुए हैं। कल्याण मंदिर स्त्रोत मिल जाएगा, भक्तांबर स्त्रोत मिल जाएगा आपको, विशापाहार स्त्रोत मिल जाएगा, सरस्वती स्त्रोत मिल जाएगा, ऐसे स्त्रोत्रों की जो एक बहुत लंबी श्रृंखला है, इसको पूज्य गुरुदेव विकास सूत्र कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से दुनिया में जितना विकास होता है इतना विकास किसी शक्ति के माध्यम से नहीं होता। भक्ति बड़ी जबरदस्त चीज है और भगवान ने तो स्वयं भक्त से भी पूछ लिया है इस बात को। जब भगवान
भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर के अवतरित हो गए। अब पूछते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो और क्या चाहते हो? तुमने कहा हम भगवान पुण्य चाहते हैं। आदमी ने छोटे से तो मानसिकता रहती है, बड़े महापुरुष खड़े हुए, क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। अब प्रभु ने पूछ लिया, दो प्रकार का पुण्य है, कौन सा पुण्य चाहिए, कौन सा पुण्य चाहिए आपको बताइए। आपको अगर मान लीजिए भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो आपको कौन सा पुण्य चाहिए? महाराज बस एक बंगला हो, एक मर्सिडीज हो, और वो एक बड़ी वाली गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, दो चार पांच बार हवाई जहाज में घूम आए, इतना ही पुण्य मिल जाए सुबह। जितनी शक्ति दिखाई देती है उतनी तो मांगेंगे। दो प्रकार का पुण्य होता है बंधु, एक पुण्य होता है संसार में रहने वाला और एक होता है परमात्मा को प्राप्त करने वाला। आपके मन के अंदर कभी ऐसी इच्छा भी पैदा नहीं होती होगी कि मुझे अगर प्रभु सामने आ जाए तो मैं उनसे वो पुण्य मांगू कि जिससे प्रभु की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोग हैं संसार से निकलने का पुण्य मांगते हैं। बोले संसार में फंसने का पुण्य तो किसी को भी मिल जाएगा भगवान, संसार से निकलने वाला पुण्य मेरे जीवन में आ जाए, जिन्हें दीक्षा मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की त्रिवेणी मिल जाए, संयम मिल जाए, जिसके माध्यम से मैं अपना विकास कर सकूं। तो पहली बात तो क्या है कि अगर प्रभु सिद्ध हो जाए, अगर मान लो कोई अवतार आपके सामने आके खड़ा हो जाए, पुण्य मांगे क्या चाहिए, तो पुण्य में कौन सा पुण्य चाहिए कभी पहले दिमाग में सोच लीजिएगा। फिर यह भी सोच लीजिएगा कि अगर पूछे कि क्या करना चाहते हो संसार में रहकर तो क्या मांगोगे। संसार में रह के आप ही से हम पूछते हैं, चलो हमने आपसे पूछा कि बताओ संसार में रहकर के क्या करना चाहते हो, दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है। क्या मांगे महाराज जी, फंसा तो नहीं देंगे, मांगे तो देंगे कि नहीं देंगे। हम बोल रहे हैं दे देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमको अगर कोई पूछ भी ले कि संसार में रहकर के क्या करना है तो आप कुछ नहीं कह सकते। संसार में रहकर के अगर कुछ करना है तो बंधु सिर्फ एक चीज है, परोपकार। वो परोपकार कैसा, जो बड़े बड़े गुरुओं ने किया। कैसे किया? धन का दान दे करके। धन का दान, धन बहुत सारी चीजों को कहते हैं, आप लोग बस कहते हैं रुपए पैसे सोने चांदी को, शब्द के दान को भी दान कहते हैं, जो तीर्थंकरों ने दिया। ज्ञान के दान को भी दान कहते हैं, भक्ति के दान को भी दान कहते हैं। ये भक्ति के दान क्या है महाराज, कि आप मंदिर में जाएं, आप मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करें, आप भगवान की मंदिर में स्त्रोत पाठ करें, भक्ति करें और भगवान के सामने जिनेन्द्र देव के समक्ष प्रार्थना करें कि भगवान क्षेमम सर्व प्रजानाम, प्रभु तु बलवान धार्मिक हो भूमि पाले, काले काले च सम्यक कलयतु भर्ता व्याध्यो यान्तु नाशम। ये भावना हम रोज बोलते तो हैं लेकिन इसको कभी जी करके देख नहीं पाते कि भगवान वो जो मेरा पड़ोसी है उसकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए, संसार में जितने जीव हैं वे सुखी रहें इसके लिए भी आशीर्वाद चाहिए। ये भी क्या है कि तुम जिन मंदिर नहीं आ पाते हो, तुम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हो, तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो, तुमको भगवान पे श्रद्धा नहीं है, तो हम अपनी भक्ति का दान करते हैं कि तुम्हारे नाम से हम शांति धारा कर देंगे, तुम्हारे नाम से हम भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा कर लेंगे, सब कर लेंगे और फिर वहां पर जाकर के प्रार्थना भी कर लेंगे। इस तरीके का भी परोपकार किया जाता है, इस तरीके की भी श्रद्धा भक्ति के साथ लोगों के जीवन में अनुकूलता बनाई जाती है बंधु, और ये सब अनुकूलताएं बनती रही। पहला कौन सा सूत्र मैंने कहा आपसे, आचार सूत्र, दूसरा विचार सूत्र और तीसरा विकास सूत्र। भक्ति दुनिया का सबसे बड़ा विकास सूत्र है। जब भी धर्मदान की पुस्तक दी गई उसमें शुरुआत से लेकर अंत तक 10 भक्तियां लिखी हैं, स्त्रोत पाठ लिखे हैं, प्रतिक्रमण लिखा है, प्रत्याख्यान की विधि लिखी है, बस इतने में वो पूरा का पूरा वैराग्य की भावनाएं लिखी हैं, उपयोग की दशा निर्मल रहे। दुनिया में आचार सूत्र गौण हो जाएगा, विचार सूत्र एक स्थिति के आने के बाद गौण हो जाएगा, लेकिन विकास सूत्र कभी भी गौण नहीं होता, हमेशा काम करता है। आपके हाथ में भी वो चीज पुस्तकें होंगी, आप लोग भी धर्मदान करते होंगे, आप लोग भी भक्तामर स्त्रोत पढ़ते होंगे, कल्याण मंदिर पढ़ते होंगे, विशापाहार पढ़ते होंगे, सरस्वती स्त्रोत पढ़ते होंगे, और भी कई सारे स्त्रोत हैं जिनका आप नित्य पठन पाठन करते हैं। ये भक्ति विकास सूत्र कहलाती है। अब देखिए कि कंट्रोवर्सी कैसी हो गई, कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी हो गई कि पहले तो सब ठीक था लेकिन कुछ
मिलावटखोर लोग भी जैन शासन में आ गए। शुद्धगी में बिके तो कोई बुराई नहीं, डालडा की दुकान में बिके तो कोई बुराई नहीं, लेकिन डालडा जब शुद्धगी के साथ मिला करके बेचा जाता है तब बड़ी तकलीफ होती है। वक्र बुद्धि के लोगों ने 2000 साल पुरानी किताब को उठा करके खोल करके पढ़ करके बिना किसी के उपदेश से उन्होंने स्वयं उसका अर्थ निकाला और पूरी दुनिया को अनर्थ में डाल दिया। वो विकास सूत्र जो जीवन में लोगों को ऊपर उठाने के लिए कारण बनते थे, उन्हीं सूत्रों का सहारा लेकर के उन्होंने लोगों को भटका दिया और आज भी लोग भटक रहे हैं बेचारे। आज भी लोगों का निरंतर भटकाव जारी है। इस जगत में अगर दान ना हो, अगर पुण्य ना हो, अगर भक्ति ना हो, अगर श्रद्धा ना हो, समर्पण ना हो, सेवा ना हो, तो जगत एक महाभारत का रूप धारण कर लेगा। ऐसा बड़े बड़े आचार्यों ने कहा, बड़े बड़े संतों ने इस बात का उपदेश दिया कि अगर संसार से सोचो दान खत्म हो जाए, संसार से सेवा खत्म हो जाए, संसार से भक्ति खत्म हो जाए, श्रद्धा समर्पण सहयोग खत्म हो जाए, संसार की कैसी स्थिति बनेगी? स्थिति बिगड़ेगी कि नहीं? बिगड़ेगी महाराज। अब जो थोड़े उल्टे पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने उन्हीं बड़े बड़े ग्रंथराज समय सार की गाथाएं छांटी, गाथाओं को छांट करके जैसे ये सूत्र सामने रखा कि इस जगत में अगर श्रद्धा भक्ति समर्पण विवेक विचार दया क्षमा मिट जाए तो क्या होगा, जगत एक महाभारत का रूप हो जाएगा। तो वो बोलते हैं, मूर्ख ये बात तेरे को कैसे जच गई? दया करने से संसार बढ़ता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो ये मनु त्रियेशु विशेषु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगाणी। इस गाथा का ऐसा अर्थ निकाला लोगों ने, ये सब मोह के चिन्ह है, करुणा करना, दया करना, क्षमा करना, दान देना, ये सब मोह का चिन्ह है, ऐसा लोगों ने कहा। फिर उस गाथाओं में से, उन ग्रंथों में से, जब आचार्यों ने पूरा बड़ा बड़ा मोटे मोटे ग्रंथ में 450 गाथाएं लिखी थी, उसमें से एक आध गाथा पकड़ी और उसका अर्थ का अनर्थ कैसा किया, मैं आपको एक उदाहरण देकर के दिखाता हूं। जब गुरुदेव ने कहा कि दान सेवा दया क्षमा भक्ति करने से संसार व्यवस्थित रूप से चलता है और इसमें महाभारत नहीं मस्ती, तब वे कहते हैं, किसने आपको गलत पढ़ा दिया? अब वो कहते हैं, कम्मम सुहम कुशीलम, सुह कम्मम चावि जान सुशीलम, किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदि। कि आदमी तीव्र कषाय के उदय में अशुभोपयोगी बनता है। अशुभोपयोग क्या होता है महाराज? अशुभोपयोग ये होता है कि जिसमें भोगैक दृष्टि कलुषाती रेखा, दानादि सत्कार विलुप्त वृत्ति, कृतज्ञता कार्य मन प्रवृत्ति। कि मन की प्रवृत्ति लोगों की हिंसा करने में, लोगों को परेशान करने में लगी रहती है। मन की प्रवृत्ति में बार बार झूठ बोल करके व्याभिचार करने का, इसका आनंद लूटने की प्रवृत्ति बनी रहती है। ये सब अशुभोपयोग है। अब वो लोग क्या कहते हैं, आप सोचो थोड़ा सा। वो गाथा का उदाहरण लेते हैं, कम्मम सुहम कुशीलम, शुह कम्मम चावि जान सुशीलम। इस गाथा का अर्थ कैसे निकालते हैं? इस गाथा का अर्थ ऐसे निकालते हैं, वो कहते हैं, तीव्र कषाय के उदय से अशुभोप करता था जीव, अब तुम अशुभोपयोग को छोड़ करके मंद कषाय के उदय में शुभोपयोग करने लगे। तो एक अशुभोपयोग का भाई है शुभोपयोग, ऐसा समझाते हैं। एक तीव्र कषाय को करता है, एक मंद कषाय करता है, लेकिन ये दोनों है तो संसार का ही कारण। स्वर्ग भी एक पर्वत के संकट से कम नहीं है, ऐसे शब्द हैं। आप चाहेंगे तो मैं उसको दिखा दूंगा कहां लिखा हुआ है। स्वर्ग भी पर्वत का संकट है बहुत बड़ा। सोचिए, यहां आदमी स्वर्गवासी होना चाहता है, अब वो इस गाथा का अर्थ निकाल के कैसे बोलते हैं, स्वर्ग भी पर्वत का संकट है। पर्वत पे चढ़ा व्यक्ति तो एक बार हो सकता है स्थिर रहे, वहां से ना गिरे, लेकिन स्वर्ग में चढ़ा व्यक्ति तो नियम से गिरता है। बात सुनने में सही लगती है कि आदमी स्वर्ग में अगर जन्म लेता है तो आज नहीं तो कल तो गिरना ही पड़ता है। तो फिर स्वर्ग जाने वाली सारी क्रियाएं बंद करो, जिससे स्वर्ग मिलता है वो क्रियाएं बंद करो, ऐसा कह करके कई लोगों को इसी जैन दर्शन में आ करके, जिनके बाल भी अच्छे सफेद हो गए थे, धोती पहनते थे, टोपी लगाते थे,
ऐसे लोगों ने कैसे कैसे लोगों को भ्रामक स्थिति में डाल दिया। क्या बोलते हैं वो, आप शब्दों पे गौर करिए कि पाप पुण्य क्या है, पाप पुण्य क्या एक है क्या, शुभोपयोग और अशुभोपयोग को एक मानते हैं, भगवान की पूजा करना और घर के अंदर चोरी चकारी करना दोनों क्या एक चीज है, नहीं है ना, अलग अलग है। एक शुभोपयोग है, भक्ति के रूप में है, अच्छी चीजें हैं। वो क्या कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों अपेंडिक्स की नस के जैसे हैं। अपेंडिक्स की नस है, जब काट दोगे तब स्वस्थ होगा आदमी। तो पाप पुण्य दोनों अपेंडिक्स हैं, दोनों परेशान करते हैं। ये शब्द आप सोचिए, पाप और पुण्य को अपेंडिक्स की नस बोलने वाले, पुण्य को स्वर्ग को पर्वत का मतलब स्वर्ग को संकट बोलने वाले, ऐसे कैसे लोग हैं। उदाहरण देते हैं क्या है संसार, बोले तुम अगर यही दान में लगे रहोगे, क्षमा में लगे रहोगे, दया में लगे रहोगे, यही शुभोपयोग में भक्ति करने में लगे रहोगे, स्तोत्र पाठ में लगे रहोगे, तो तुम बताओ कि तुम्हारी स्थिति उस लोहार की संसी के जैसी हो गई। लोहार की संसी कैसी कि एक बार आग में जाती है, एक बार ठंडे पानी में जाती है, फिर आग में जाती है, फिर ठंडे पानी में जाती है। तो तुम्हारे भी ऐसी स्थिति है, एक बार तुम पुण्य में जाते हो, फिर एक बार पाप में जाते हो, फिर एक बार पुण्य में जाते हो, फिर एक बार पाप में जाते हो। ऐसा कह करके बड़े बड़े विद्वानों ने, जो बिल्कुल गोल मटोल टमाटर के जैसे दिखते थे, इन टमाटर के जैसे दिखने वाले लोगों ने लोगों को कम्बम सुहम कुशीलम सुहकम्बम चाविजान है सुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदि कह करके शुभोपयोग को छोड़ने के लिए बार बार प्रेरित किया। बार बार, एक बार नहीं, बार बार। वो क्या कहते हैं, परिक्रमणम परिसरणम परिहरणम धारणा नियत्ति है निंदा गरुआ सोही अठ वियो होई विस्कुंभो। उसको विस का कुंभ कह दिया। यहां साधु प्रतिक्रमण कर रहा है, जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात प्रतिक्रमणत है पर्यम प्रांति पढ़ रहा है, यहाँ अंतो अंतो डज्जमी बोल रहा है और वहां कह रहा है ये सब तो विस्कुंभ है, इन सब से कुछ नहीं होता। ऐसी भावना कर दी, प्रतिक्रमण विस्कुंभ है, ये नहीं बताया किसके लिए। ये इतना और बोल देते कि वे मुनि महाराज जो शुद्धोपयोग में लगे हुए हैं, सप्तम गुणस्थान से ऊपर के भाव को, सप्तम गुणस्थान को स्पर्श कर रहे हैं, जिनकी शुद्ध दशा बनी हुई है, उसके लिए आठ प्रकार के विषकुंभ हैं। लेकिन संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या है, संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए अमृत कुंभ है। बंधु, कोई भी पाप करो, प्राश्चित करो, शरण में जाओ, किसी चीज से निर्वृत्त हो, अपनी निंदा करो, अंतो अंतो डजमी अंदर ही अंदर अपने आप को गढ़ा का भाव रखो, भगवान मैंने क्या कर दिया। अभी बोलते ये बार बार ऐसा करने से मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं होता। आत्मा चकचकायमान बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, उसमें तो एक भी दाग है ही नहीं। जितना भी दाग है वो वस्त्र के ऊपर है, वस्त्र में तो कोई दाग ही नहीं। इस तरीके की भाषा सिखाई लोगों को और बहुत सारे लोगों को धर्म ध्यान से वंचित कर दिया। बंधु, हर जिन बिंब के सामने अगर आप माथा टेकेंगे और आप ये सोचेंगे कि प्रत्येक जिन बिंब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बनता है, आप गलत फहमी में हैं। जयपुर में प्रतिमाएं बनती हैं और आजकल तो वो उपरत्नों की बहुत सारी प्रतिमाएं बनती हैं जो 2-4-5 हजार रुपए में आ जाती हैं। समझिएगा आप मेरी बात को बहुत गौर से, दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, सारे मंदिरों में कई लोग तो ऐसा पूछते हैं कि महाराज ये वाले मंदिर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये वाले मंदिर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, हम दिगंबर हैं। हम दिगंबरों से कहना चाहते हैं कि दिगंबर भी, हर दिगंबर मंदिर में जा करके भी सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की क्षमता हर प्रतिमा में नहीं होती है। जिस प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, वह प्रतिमा कभी भी सम्यक की उत्पत्ति का कारण बनती ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पाषाण में एक आकृति मात्र है। दिगंबर साधु का स्पर्श तक न हुआ, दिगंबर साधु ने सामने बैठकर के साधना के परमाणु उसमें डाले तक नहीं, उसमें कोई मंत्र को पुष्ट नहीं किया और आपने एक बहुत बड़ा फंक्शन कर लिया, जबरदस्त जोरदार भूकंप लाने वाला। ये प्रतिमाएं जितनी भी प्रतिष्ठित हुई हैं पूरे संसार में, इन लोगों की जितनी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं, एक भी प्रतिमा से सम्यक दर्शन पैदा नहीं हो सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई ही नहीं।
प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए एक शुद्ध दिगंबर गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। बीतरागी की नहीं, निर्ग्रंथ गुरु की। गुरुओं में, मुनियों में वीतरागता मत देखना, गुरुओं में जब भी देखना निर्ग्रंथपना देखना कि देखो शुद्ध निर्ग्रंथ है, दिगंबर है। वे लोग चाहते तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए किसी एक साधु को भी बुला लेते। महाराज बहुत सारी नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमाएं स्थापित होना चाहती हैं, आप इसमें सूरी मंत्र दे दीजिए। लेकिन उनके तो कसम खाली है कि मुनि महाराज तो पंचम काल में होते नहीं, और भावलिंगी तो जैसे उनकी आंख में किसी ने 3D का चश्मा लगा दिया है कि हम चश्मा लगा करके देख लेते हैं, और ये तो भावलिंगी है, ये द्रव्यलिंगी है। तो द्रव्यलिंगी मुनि महाराज से हम प्रतीक्षा कराएंगे तो फिर कैसे हमारी प्रतिमा अस्तय आएगा। तो टोपी और कुर्ता पजामा पहन करके प्रतिमा में स्वाहा स्वाहा बोलने से क्या वो प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई, पूछना चाहते हैं। कोई दूर तक जो मेरी बात सुन रहे हैं वो भी मुझे जवाब दीजिएगा कि वो पहले तो हमने सुना था कि दो धोती दुपट्टे बांध लेते थे और उसके अंदर व्यक्ति खुद दिगंबर हो जाता था और प्रतिष्ठा कर देता था। उसका क्या विधान है आपने कभी देखा? जब कभी 100 योजन तक कोई दिगंबर साधु ना रहे तब प्रतिष्ठा पंचकणक इत्यादिकों में भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित करना आवश्यक हो जाता है। उस समय कोई सदगृहस्थ जिसका व्यसनों का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, शुद्ध भोजन करता है, स्त्रोत पाठ करता है, मुख शुद्धि के व्रत हैं, कभी गाली नहीं देता है, अपशब्द नहीं बोलता है, दूसरे की निंदा नहीं करता है, ऐसा सदगृहस्थ छांटना पड़ता है पहले कि ऐसे इन सारे बुजुर्गों में ऐसा कौन सा वो वैभव संपन्न व्यक्ति है जो रात्रि भोजन नहीं करता, अभक्ष्य नहीं खाता, किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं बोलता, किसी की निंदा नहीं करता, जिसके मुख शुद्धि के व्रत हैं। उस गृहस्थ से निवेदन किया जाता है कि 100 योजन तक कोई भी दिगंबर साधु नहीं है तो कृपया करके बिंब की आवश्यकता है, आप प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दीजिए। फिर वो व्यक्ति सोचिए कि धोती दुपट्टा ऐसा एक कमरा जैसा बना दिया, अंदर आड़ बना दी, अंदर जिन बिंब रहता है अपने पूरे वस्त्र का मोचन करता है, पूरे वस्त्र का त्याग करता है, कायोसर के पूर्वक इस बात का कायोसर करता है कि मैं अपने वस्त्रों का त्याग करता हूं। फिर शुद्ध दिगंबरत्व को स्वीकार करता है, वहां पे दिगंबर होता है। उसके बाद प्रतिमाओं में सूरी मंत्र का आरोपण करता है और आरोपण करने के बाद वो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं। उसके बाद वो आरोपण करने वाले के काम खत्म नहीं हो जाते। आरोपण करने वाला एक बार दिगंबरत्व को स्वीकार करने के बाद ब्रह्म गुलाल मुनि के जैसे जीवन होता है बंधुओं, जैसे ब्रह्म गुलाल मुनि ने नाटक में भी दिगंबरत्व स्वीकार किया तो कभी दोबारा कपड़े नहीं पहने। अब जब वही सदगृहस्थ दोबारा कपड़े पहनता है, दोबारा उसी कपड़ों को उठा करके अपनी देह में डालता है इस अपराध भाव के साथ कि यह अपराध भाव मेरा यह है कि मैंने जिन बिंब प्रतिष्ठित किए त्याग करके, वस्त्रों का कायोस्तर पूर्वक त्याग करके दिया और अपने ही कायोस्तर की कीमत मैंने खत्म कर दी है, तो उसके लिए बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर के प्रायश्चित लेता है कि महाराज बहुत दूर तक कोई साधु नहीं थे, मैंने जिन बिंब प्रतिष्ठित कर दिए हैं दिगंबरत्व को स्वीकार करके, अब मैंने बाद में पुनः वस्त्र पहन लिए महाराज, तो वस्त्र पहनने का मुझे प्रायश्चित चाहिए। जब मैं वस्त्र पहनने का प्रायश्चित वो स्वीकार कर लेता है, अगर गुरु नहीं मिलते हैं तो समाज उसको प्रायश्चित दे देती है कई बार कि हाँ तुम तीर्थों की वंदना करो, इतने एकासन करो, इतना रस का त्याग करो, ऐसा उपवास करो, ऐसी माला फेरो, तब जाकर के तुम्हारे ये वापिस जो परिग्रह तुमने स्वीकार कर लिया है इस पाप से आप मुक्त होंगे। इन स्थितियों में जाकर के वे जिन बिंब प्रतिष्ठित होते हैं। बहुत दूर तक मेरी बात लोग सुन रहे हैं, अगर मैं एक शब्द भी गलत कह रहा हूं तो आप अनुमोदना करिए, मुझे बताइए, मुझे संकेत भेजिए। लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो मैं आप लोगों से सबसे दुनिया भर से पूछना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के लिए इतने बड़े बड़े जिनालय बनाए, इतने बड़े जिनबिंब की स्थापना करी, एक दिगंबर मुनि महाराज से उसमें नमोस्तु और करवा लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है, उन्होंने तो कसम खा ली है शुद्धोपयोग में जो लीन है मात्र वही साधु है, शुभोपयोगी को तो साधु उनको मानना ही नहीं है, हैं ही नहीं वो।
तो फिर कुंदकुंद भगवान की वो गाथा आप लोगों के सामने ही झूठी पड़ जाती है, जिसमें कुंदकुंद भगवान स्वयं कहते हैं, समणा शुद्धव जुत्ता सुहोब जुत्ता या होंत समयम भी तेसु भी शुद्धव जुत्ता अणासवा सासवा सेसा। समण दो प्रकार के होते हैं बंधुओं, जब समण के लिए कह दिया, समण दो प्रकार के होते हैं, समणा शुद्धव जुत्ता शुद्धोप योगी होते हैं, सुहोब जुत्ता या होंत समयम भी। इसी आगम में दो प्रकार के समण की व्याख्या करी गई। एक समण वे होते हैं जो शुद्धोपयोगी होते हैं, चौथे पांचवें छठवें की बात छोड़ दो, सातवें में जा करके गुणस्थानों में बैठ करके जो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, देह के ममत भाव से छोड़ करके ग्रंथ दूर है, माला दूर है, मुकुट दूर है, उनका पीछे कमंडल दूर है, सिर्फ अपने आप में अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी, ये भावना से वे अपने आप को भावित करने वाले वे शुद्धोपयोगी संत। एक अगर वे शुद्धोपयोग में ना रह पाए तो फिर शुभोपयोगी संत दूसरे। तो दूसरे शुद्धोपयोगी जो संत होते हैं वो आश्रवक कहलाते हैं, उनको कर्म प्रकृतियों का आश्रव होता रहता है। कैसी कर्म प्रकृतियां बनती हैं? नरक में जाने वाली, त्रियंश बनने वाली, कुत्ता बिल्ली बनने वाली नहीं, वे शुभोपयोग में आने के बाद वे महान साधु जो होते हैं समय सार जैसे ग्रंथ की रचना करते हैं। वे कुंदकुंद भगवान अगर शुभोपयोग में नहीं आए होते आज माँ जिनवाणी भारती आपके हाथ में कैसे होती? वे अगर शुभोपयोग में बोलने अगर वे ग्रंथन परमेष्ठी नहीं आए होते, वे स्वयं तीर्थंकरों ने अपने उपयोग के शुद्धोपयोगिता को छोड़ करके शुभोपयोग में आकर के अगर देशना नहीं दी होती, अगर आप कहते हैं कि शुभोपयोग हे है तो आप मुझे बताइए क्या तीर्थंकरों को हे वाली चीज कोई पसंद थी? लेकिन वे शुद्धोपयोग को छोड़ करके शुभोपयोग में आकर के गर्धर को निमित्त बना करके बोल बैठे, सुन गौतम तू सुन मेरी बात और दुनिया को बता दे। वो गौतम हाथ जोड़ करके बैठा रहा, भगवान आप तो बोलो, दुनिया में गौतम प्रभु ने क्या साधना की किसी ने नहीं पूछा, गौतम प्रभु ने क्या त्याग किया किसी ने नहीं पूछा, सबने एक ही बात पूछी गौतम प्रभु से कि प्रभु आपने तीर्थंकर भगवान से क्या सुना? सिर्फ सुना क्या, वो बताते गए हम सुनते गए और शुभोपयोग का इतना बड़ा प्रवाह रहा है, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्य सीतस्त्रदिगानी चैव। ये शुद्ध भक्ति में जब आप पढ़ते हैं 112 करोड़ 80 लाख से ऊपर के जो पद हैं ये शुभोपयोग का प्रभाव है, जिसके एक पद में 16 अरब 34 करोड़ से ऊपर के अक्षर रहते हैं, ये शुभोपयोग का प्रभाव है। और आपने सोच लिया शुभोपयोगी संत की मुझे जरूरत नहीं है, भावलिंगी चाहिए, आप मुझे चश्मा दिखा दीजिए एक बार कि भावलिंगी संत का चश्मा आपके जीवन में क्या लगा हुआ है। और जो ये इतना बड़ा विशाल मंदिर बना लिया है ये सोच करके कि इसमें रह करके हम धर्म ध्यान करेंगे, उसमें भी क्या किस स्थिति से धर्म ध्यान करेंगे आप मुझे बताइए? भगवान की पूजा उपेक्षा भाव से, अनादर भाव से, अविधि से? अविधि से जब प्रतिष्ठित कर ली है प्रतिमाएं, प्रतिष्ठित तो वो हुई नहीं है, वो तो सिर्फ उठा करके 5-7 दिन का आपने महोत्सव बना लिया बहुत अच्छा और उठा करके प्रतिमाएं मंदिर जी में रख दी। ऐसी प्रतिमाएं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण नहीं बनती हैं, आप मान के चलिएगा। आप चाहें तो मेरे सामने आकर के भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन आप सोचिए इस बात को, आप सब भी सोचिए इस बात को कि किसी भी मंदिर में, दिगंबर जैन मंदिर में जा करके भी अगर आप उदक चंदन तंदुल पुष्प का ही करते हैं, उसके पहले ऊपर पढ़ लेना चाहिए कि दिगंबर जैन साधु से प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई भी हैं कि नहीं हुई, तपस्वी गुरुओं का हाथ लगा है, नमुस्तु लगा भी है कि नहीं लगा है, सूर्य मंत्र व्यवस्थित दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। क्योंकि अगर किसी गृहस्थ के माध्यम से कोई प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई है उसमें एक भी प्रतिमा में कोई भी अस्य घटता हुआ आज तक दिखा दीजिए। अब वो कहते हैं महाराज अपने जैन धर्म में तो अस्य होता ही नहीं है, अब कैसे समझाएं कि जैन धर्म में अस्य क्या? असाधारण घटनाओं को चमत्कार कहते हैं। क्या असाधारण घटनाएं आपके जैन दर्शन में नहीं होती? आप नहीं मानते कि हमारे जैन दर्शन में असाधारण घटनाएं होती हैं? तो छाईक सम्यक की प्राप्ति क्या कोई असाधारण घटना नहीं है? वो भी जैन दर्शन की जिनबिंब का चमत्कार है, जिनवाणी का चमत्कार है, जिनेन्द्र प्रभु का चमत्कार है, घटनाएं तो बहुत होती हैं। ये तीर्थंकर पद की प्राप्ति की असाधारण घटना नहीं है? वो कहां से हो गई? वो भी चमत्कार है बंधु, अस्य तो होता नहीं, उनकी प्रतिमाओं में तो अस्य नहीं होता। आप किसी भी जैन मंदिर में जाइए, देख लीजिएगा बंधुओं,
कि प्रतिमाएं दिगंबर जैन गुरुओं ने प्रतिष्ठित की भी हैं कि नहीं की हैं। नहीं तो वो आपको ऐसे भटकाते हैं कि स्वर्ग भी संकट का पर्वत है। पर्वत से गिरो न गिरो, हो सकता है पर्वत में चढ़ने वाला व्यक्ति एक बार ना भी गिरे, लेकिन स्वर्ग से चढ़ने वाला तो नियम से गिरता। कम्बम सुहम कुशीलम, सुहकम्बम चाबी जाने सुशीलम की ऐसी गाथाएं बोलते हैं वो लोग, इस तरीके से समझाते हैं कि सामने वाले भोले प्राणी चुपचाप भ्रमित हो जाते हैं। तो महाराज हम क्या करें? आप आचार सूत्र का पालन नहीं कर पा रहे हैं, आपका चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, कोई बात नहीं है, हम मानते हैं आपकी क्षमता नहीं है, आपके उपयोग की दशा नहीं है, आपके ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है, आप आचार सूत्र को स्वीकार नहीं करते, कोई बात नहीं महाराज, हम पढ़ते तो बहुत हैं, विचार सूत्र तो बहुत है, थोड़ा विकास सूत्र की ओर भी ध्यान दें कि जब भी भक्ति करें तो हे बुद्धि के साथ ना करें। वे बिल्कुल रंगे पीले छोटे से चावल हैं, और हर श्रृंगार का जो फूल होता है ना आपके घरों में कैसा होता है पता है? कैसे कहाँ से बन के आता है, कैसे बनता, कभी देखा है? लगे तो रहते हैं, जो माली होते हैं ना उसको ऐसे झाड़ देते हैं, झाड़ मतलब पेड़ को हिलाते हैं तो जमीन में सारे फूल गिर जाते हैं, फिर गिर करके उसमें झाड़ू लगा देता है, फिर उसको उठा के सुपर में रख देता है, सुखा देता है, उसी से आपने थोड़ा सा रंग दिया और चढ़ा दिया। ऐसी हे बुद्धि से नहीं, परमात्मा के शासन में, जिनेंद्र भगवान के शासन में जो व्यक्ति प्रतिक्रमण, जो व्यक्ति स्वाध्याय, जो व्यक्ति भगवान की पूजा, जो व्यक्ति भगवान की चैत्य वंदना, जो व्यक्ति प्रतिलेखन पिछी का मार्जन करना, जो व्यक्ति व्रतों का पालन करना हे बुद्धि से करता है, चैत्य वंदना हे बुद्धि से, चैत्य पूजा गुरु की पूजा हे बुद्धि से, अरे ये हे है उपादेय तो हमारी आत्मा ही है। अरे आत्मा की शक्ति है लेकिन अभिव्यक्ति के लिए बाहरी कोई भूमिका आपकी है भी कि नहीं है? नारी बगल में रहती है, गंदा भोजन करते हैं, घर के अंदर रहते हैं, पाप के काम करते हैं, अपने आप को शुद्धोपयोगी कहते हैं, शुद्धोपयोग में कहते हैं, आप लोगों को थोड़ी स्वयं में भी नहीं आती है? थोड़ी सी तो आती होगी महाराज, आप सही तो कह रहे हैं, हम आपसे बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, घर के अंदर बैठिए कोई बात नहीं, लेकिन विकास सूत्र की पुस्तक हाथ में ले लीजिए, भक्ति भगवान की ऐसी जोरदार करिए, अच्छी चांदी के बर्तन हो, अच्छी बड़े बड़े कलश हो, अच्छा ठोना हो, अच्छे द्रव्य लगी हो, बड़ी बड़ी बदामे हो, कि आपकी पूजा करके देखने से सामने वाले मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तब आपकी पूजा का आनंद है। क्या मंदिर की द्रव्य नहीं चढ़ाना? घर के हमारी सामर्थ्य है क्या? हम भगवान को 20 रुपए की द्रव्य रोज नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते हैं, हम 1 किलो चांदी खरीद लेते हैं, 1 किलो की चांदी में बढ़िया बर्तन बन जाएगा, और चांदी की तो अभी बल्ले बल्ले होने वाली है, पूरी दुनिया में डाउनफॉल आने वाला है, आप लोगों की बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं, अगले 1.5 महीने के अंदर चांदी सोना जो है ना हाई जंप में जाने वाला है, हाई जंप में, अभी 62-63 हज़ार से लोग बता रहे हैं 70-72 हज़ार रुपये किलो चांदी अभी हो गई महाराज, पिछले 4-5 दिनों के अंदर सोना 60 हज़ार रुपये से ऊपर छू गया। अमेरिका की पूरी जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों में डाउनफॉल चल रहा है, इंडियंस जितने भी हैं सबको अमेरिका से बाहर कर रहे हैं, नौकरियां काट रहे हैं, जबरदस्त डाउनफॉल आने वाला है, शेयर मार्केटिंग पूरा गिरेगा, उठेगी तो सिर्फ 2 चीजें, क्या? सोना और चांदी। और इसी सोने चांदी के अंदर अभी मजा है कि 1 किलो चांदी का पैसा निकालो, किसी सुनार के यहाँ जाओ, बोले भैया पूजा के बर्तन दे दो, अगर 1 महीने के अंदर भगवान 70 हज़ार का बर्तन 1.25 लाख का ना कर दे तो बताना, खर्चा भी नहीं है, फिर चांदी का अच्छा बर्तन ले लो, अच्छी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी द्रव्य ले लो, उन द्रव्य के साथ लेकर के भगवान के मंदिर में जाओ, और घर से धोती दुपट्टा पहन करके जाओ, ऐसा शुद्ध पवित्र धोती दुपट्टा पहनकर जाओ कि दूसरे के घर के अंदर घुसी वो महिला जो ऊपर सो के उठ रही है अपने बेडरूम से आपको देखे तो उसको बेडरूम में पड़े पड़े सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, वो महिला कितनी पवित्र है, इतनी सुंदर चांदी की द्रव्य लेकर के, चांदी के बर्तनों में लेकर के क्या भक्ति से पूजा करती है, तुमको देख करके भी सम्यक दर्शन किसी को प्राप्त हो गया तो तुम्हारी पूजा करना सफल है। ये हे पद्धति से पूजा की क्या व्यवस्था बना ली आप लोगों ने, क्यों बहन क्या व्यवस्था बना ली आप लोगों ने, हम पूछना चाहते हैं। मंदिर की द्रव्य में चले गए, बिल्कुल 3-4-5-7 दिन पुराना बिल्कुल स्टील की परैया पड़ी थी, टूटे खंडा चावल पड़े थे 8 रुपए किलो वाले, उसी में थोड़ा सा मिलाया और अच्छे उसना ऐसा उठा चढ़ा दिया, स्वाहा 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 हो गया, और फिर चित्राते हैं गली गली,
पूरे मंदिर में जाकर के देखना, इतने चावल चावल पड़े रहते हैं। अरे इतनी सजगता हो कि एक दाना भी गिरे तो लगे कि मेरी एक पर्याय गिर गई। दाना को अपनी पर्याय समझो, फिर देखो क्या आनंद आता है। लेकिन उन्होंने सिखा दिया क्या, निजात्मा की भक्ति करो, शुद्धोपयोग ही अपना उपादेय है, अपने आत्म तत्व को जानो, अपने ज्ञान गुण को जानो, अपने शुद्ध द्रव्य में जो सुख है वो किसी चीज में नहीं है, ये सब तो पर्याय का खेल है। 4-5-7 खोड़ी सिद्धांतिक ग्रंथों की भाषा क्या समझ गए, सुन के समझ में आने लगी, 2-4-5-10 समय सार की गाथाएं याद कर ली और पूरा ग्रंथ छोड़ दिया। गिनी चुनी गाथाओं में चर्चाएं हैं, 181 नंबर की गाथा पढ़ लेंगे, 310 नंबर की गाथा पढ़ लेंगे, 189 नंबर की गाथा पढ़ लेंगे, गिनी चुनी गाथाओं की, और इतने सारे लोग हैं एक भी गाथा याद नहीं है। नंबर बताते हैं, इतने नंबर की गाथा में ऐसा लिखा है, गाथा और बोल देते नहीं आता महाराज, इतना ही चाहिए ऑप्शन। हंस के बहुत अच्छे से बोलते हैं, समझते कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, ये अच्छा नहीं है बंधु। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं दोबारा आपको जीवन में जिनकुल मिले, तो आप प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, आप निंदा, अपनी गरहा, चैत्य वंदना, गुरु की पूजा, भगवान की भक्ति, हे बुद्धि से नहीं, उपादेय बुद्धि से करिए। फिर विधि पूर्वक करिए, अविधि पूर्वक मत करिए, और अनादर भाव से मत करिए कि क्या बोलते हैं, जड़दीप बिनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा, निज ज्ञान क्या है, हाँ मिटा मोह का अंधियारा। अब तुम खुद ही बोल रहे हो कि जड़दीप बिनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा, जब बोल रहे हो ये दीपक हमारा जड़ है, दीप है, है? अब ये क्षुधा रोग के मिटन को चढ़ा भी रहे हो, ये कर्मों को नहीं नसाएगी, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं नसावेगी, जब तुमने बोली थी भगवान से कि भगवान ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला, आहा जला लो, ज्वाला जल रही के अंदर नहीं जल रही, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी, राग द्वेष नसाने कर तुम्हारी शक्ति होती तो 50 साल में तुमने एकाध बार तो लिख दिया होता कि मेरे इस स्तर का राग द्वेष हट गया। 100 रुपए का तो राग द्वेष हटा नहीं, 100 रुपए का नोट जेब से गिर जाए तो पलट के उठा लेते, भैया माओ नोट गिर गया, तो जब 100 रुपए में राग नहीं मिटा तो क्या वो निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष, क्यों अपने आप को भ्रम में रखते हो। संसार बहुत सुंदर है लेकिन जिनकुल दोबारा नहीं मिलता, बड़े पुण्य से मिलता है बंधुओं, ध्यान रखना। भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर गौतम जो थे, जो 11 गणधर थे सब ब्राह्मण, जिनेंद्र भगवान मिले, जिन मुद्रा मिली दिगंबर मुद्रा मिली, लेकिन जन्म से जिनकुल नहीं मिला। आप महाराज क्षणिक को देख लीजिए, छाईक सम्यक दृष्टि है, भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछे उन्होंने, साथ में रह करके हर बात में गौतम गणधर के साथ रहे, समोषण में गए, 20,000 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ऊपर बैठ करके बात करी, लेकिन जिनकुल नहीं मिला। जिनकुल मिलना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात होती है। वे 11 ब्राह्मण अगर नहीं होते दुनिया में तो कौन दुनिया में इस बात का विस्तार करता कि भगवान की देशना में क्या कहा। लेकिन उन 11 ब्राह्मणों में 500 जिनके शिष्य थे, अग्निभूति मरुभूति वायुभूति इनके पूछिए, 500 सारे ब्राह्मण के ब्राह्मण शिष्य गुरुदेव से दीक्षित हुए, भगवान महावीर से दीक्षित हुए, लेकिन पुण्य के उदय से जिनेन्द्र देव मिले, जिनकुल नहीं मिला। बंधुओं आपको जिनकुल मिला, लेकिन इस तरीके की बुद्धि के साथ अगर पूजा करेंगे, हे बुद्धि से करेंगे, अनादर भाव से करेंगे, अविधि से करेंगे, अविधि से प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के सामने बार बार नमस्कार करेंगे, आप ध्यान रखिएगा अगली बार जिनकुल नहीं मिलेगा। दुनिया में सब मिलेगा, चक्रवर्ती का पद भी मिलेगा, जिनकुल नहीं मिलेगा। जिनकुल चाहिए है तो फिर विधि पूर्वक काम करिए। क्या है वो जिनकुल, पैदा होते साथ ही खून खराबे का त्याग है, मांस खाने पीने लेने देने देखने का त्याग है, आंख में दिख भी जाता है तो कायुसर कर लेते हैं, भगवान हमसे आज खाया नहीं जा रहा, क्यों, हमने आंख से दर्शन कर लिया उस गंदी वस्तु का, कितना पवित्र कुलाचार है आपका, सोचिए। एक कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनको बुद्धिपूर्वक नष्ट करना पड़ता है, और एक तो सहज में नष्ट हो जाते हैं, इस जिनकुल में आने पर तो कितने सारे पापों से तो आपकी स्वयं मुक्ति हो गई। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, गौतम गणधर से भी बड़ा इस दुनिया में अगर आप हैं तो। जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, भक्ति करते हैं, जिनबिम की प्रतिष्ठा करते हैं, पंचकणा करते हैं, गुरु को दान देते हैं, पूजा करते हैं, समोषण में जाते हैं, सब करते हैं, नृत्य करते हैं, आरती करते हैं, जिनबिम मंदिर बनाते हैं,
इसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि हमको जिनकुल मिल गया, जिनकुल में जिनेंद्र देव मिल गए और हमको उनकी पूजा भक्ति समर्पण करने का मौका मिल गया। और उस धारणा को मिटाइए जो आप जैसे लोगों को समझा गए, कम्मम सुखम कुशीलम सुख कम्मम चाभिजाड़े सुशीलम, वो उपदेश हमारे लिए था, वो साधु के लिए उपदेश था कि महाराज आप समझिए पाप पुण्य की दोनों प्रकृतियां हैं, उसमें से पाप तो आपने छोड़ ही दिया है लेकिन अब पुण्य को भी शुद्धोपयोग की दशा में ज्यादा अपने आप को आकर्षित मत करिए। तो क्या करिए, हाँ शुद्धोपयोग में जाइए, इससे ऊपर उठिए। तो पाप छोड़ने की हजार विधि जैन दर्शन में लिखी, पुण्य छोड़ने की एक भी विधि गुरुदेव ने जैन दर्शन में नहीं लिखी। पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता बंधुओं, पकड़ के रखना पड़ता है। कब तक? जब तक अरिहंत परमेष्टि की पर्याय इस जीव की घटित ना हो जाए, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए ना, तब तक पुण्य को पकड़ के रखो। उसके बाद तुम पकड़ के रखोगे भी तो पकड़ में नहीं आएगा, जैसे तुम्हारे शरीर छूटेगा वैसे तुम्हारा पुण्य भी छूट छाड़ करके कहीं फिका हुआ पड़ा मिलेगा बंधुओं, और आप सिद्धालय में जाकर के शुद्ध रूप से विराजमान हो जाएंगे। लेकिन संसार में ऐसे कितने सारे लोग हैं इस तरीके से भ्रमित करके लोगों को परेशान कर दिया, और आज भी अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छी स्क्रीन लगा लेने से, अच्छी लॉलीपॉप जैसे गाल कर लेने से बंधुओं कोई भी व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं बनता। तो कैसे बनता है? गुरुओं की पूजा करने से, अच्छी भक्ति करने से, वंदना करने से, स्तुति करने से, वो भी उपादेय भाव से। भगवान मेरा सौभाग्य था पूरे दिन पाप किया, पूरे दिन पाप किया, पूरे दिन पुण्योदय रहा मेरा। जब भी पुण्योदय रहता है ना बंधुओं, बहुत दो बड़ी अद्भुत चीजें हैं संसार में, एक पुण्योदय और दूसरा पुण्य का बंध। पुण्योदय प्रत्येक समय नहीं रहता, पाप का उदय भी चलता रहता है, लेकिन पुण्य का बंध आप प्रत्येक समय कर सकते हैं। रात में भी, दिन में भी, सोते समय भी, जागते समय भी, प्रतिक्रमण करते समय, खाते समय, बात करते समय, हर समय आप पुण्य का बंध कर सकते हैं, लेकिन पुण्य का उदय प्रत्येक समय नहीं हो सकता। क्या पसंद है? पुण्य का उदय पसंद है ना, महाराज सब सुख से रहें। हम पंचम काल में अगर मनुष्य बने हो तो बस इस चीज को ढूंढो प्रत्येक समय कि कैसा भी हो पुण्य बंध का मौका मिले, थोड़ा सा भी मिले लेकिन मिले। हमने कहा भैया मंदिर जी की चटाई बदलनी है तो पांच हाथ एक साथ उठे, महाराज हम ला के दे रहे हैं। हमने कहा जिन भी ठीक करना है, महाराज हमारी तरफ से। क्यों? पुण्योदय तो खूब है हमारे घर के अंदर, 50 करोड़ की संपत्ति है, सीमेंट की बड़ी दुकानें हैं, लोहा बेच लेते हैं, दुकानें में कपड़े बेच लेते, सब कर लेते हैं, लेकिन क्या करना है? ये पुण्योदय से मिल रहा है। पुण्य बंध का तो एक मौका, महाराज ने कहा जिनबिंब रखना है, तुरंत ऐसा हाथ उठे, महाराज हम, हमारी तरफ से जितना बोले उतना, शिखर बनाना जितना बोले उतना महाराज हमने दिया। क्यों? ये पुण्य बंध ऐसा है कि आप पर्याय छोड़ के चले भी जाएंगे उसके बाद भी आपके द्वारा स्थापित जिनबिंब और जिनालय, चूंकि जिनबिंब और जिनालय दोनों नव देवताओं के अंतर्गत आते हैं बंधु, सिर्फ जिनबिंब देवता है ऐसा नहीं, जिनालय भी देवता है। जिनालय की दीवार में अगर आपने थूक दिया, आपके जिनालय की दीवार में अगर अज्ञान वश किसी जानवर ने भी लघुशंका इत्यादि कर दी, आप पापी हैं। आपके जिनालय की दीवार में अगर मान लीजिए किसी के आगे सेप्टिक टैंक का पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है, लघुशंका इत्यादि का पानी आ रहा है, छुप रहा है, उसके लिए जिनालय बनाने वाली पूरी समाज जिम्मेदार है। क्यों? तुमने नव देवता को नाली के ऊपर खड़ा कर दिया, कितनी बड़ी बात है। जिन धर्म जिनागम जिन चैत चैत्यालय बोलते हैं ना पंच परमेष्टि, जिन धर्म जिनागम जिन चैत जिन चैत्यालय, ये सब नव देवता में आते हैं। आपकी जवाबदारी है कि अगर मंदिर जी के बाहर किसी की पान की पीक भी दिख जाए तो बता देना, अपने खुद साफ कर लेना। बोले भैया नव देवता हैं, जितनी हम मंदिर की मूर्ति चकमकाते हैं उतनी हम अपना मंदिर चकमक रखेंगे, क्योंकि महाराज कहते हैं दोनों की प्रतिष्ठा करी जाती है और उर्जित भूमि में करी जाती है। आपको अगर हमारी बात समझ में आ रही हो तो आप अपने आप को अपराधी महसूस करिए, इस बात को समझिए और मानिए कि हम कितने दिनों तक अज्ञानवश क्या से क्या करते रहे, और सुधारने का प्रयास करिए। और अंत में फिर वही बात, आपका समय तो हो गया, ज्यादा हो गया होगा शायद, है ना, आज ज्यादा ही बोल गया क्योंकि घड़ी भी नहीं है। हाँ, समय एक घंटे से ऊपर का अतिरिक्त मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जनता का भी एक लेबल होता है, उसके बाद बातें ऊपर से जाती हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ
जब तक दिगंबर साधु के द्वारा प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं होंगी, तपस्वी शुद्ध चर्या वाले मुनिराजों से प्रतिष्ठित नहीं होंगी, उन प्रतिमाओं में सम्यक दर्शन पैदा करने की कोई ताकत नहीं होती है। और आपने तो झंडे उठाया है, चारित्र बाद में ग्रहण करेंगे, पहले सम्यक दर्शन चाहिए। अगर आपको पहले दर्शन की शुद्धि चाहिए है, श्रद्धा सही चाहिए है, तो उसके लिए आप जिस भी प्रकार की जो भी जिनबिंब की स्थापना करें, भले आपने बहुत अच्छा पंचना कर लिया है, लेकिन आप अभी भी गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज के पास जाएं और उनसे कहें कि महाराज ऐसी ऐसी गलती हो गई है, ऐसा ऐसा प्राशित मिल जाए। सदी के वे महापुरुष हैं जिनके लिए स्वर्ग लोक में भी अंधियारा हो गया। बंधु कैसे हो गया? स्वर्ग में तो रत्नों का प्रकाश रहता है। एक बूढ़ी दादी आई, हमसे कहती है, महाराज हमने देखी स्वर्ग में लाइट गोल हो गई। हमने उनसे कहा, दादी तुमको इतना नहीं पता कि स्वर्ग में लाइट नहीं रहती है, वहां रत्नों का प्रकाश रहता है, उसमें दिन और रात का भेद नहीं रहता, स्वर्ग में ऐसी व्यवस्था है। बोले, अरे महाराज वो आपके स्वर्ग में हुई है, हमारे स्वर्ग में तो लाइट गोल हो गई। हमने कही क्या होगा फिर बताओ? तो जब लाइट गोल हो गई, सपना में तो दबे थे, अब हम सपने में स्वर्ग घूम रहे थे और उनमें लाइट हो गई गोल। हमने इंद्र से पूछ ली, स्वधर्मी से, काय भैया तुम्हारे कहने लाइट काय गोल हो गई? तो वो बोले, यहां पर एक जीव था जिसका नाम विद्याधर था, वो धरती में चला गया, इस चक्कर में लाइट गोल हो गई। सोचिए आप कि महिलाओं की क्या गजब की श्रद्धा है कि बोलते हैं कि एक जीव था जो स्वर्ग में था, जो धरती पर विद्याधर बन के चला गया, और वही विद्याधर धरती के अंदर जो आकर के आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित होकर के आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में स्थापित हो गए। आपको आज भी लगता है बंधुओं, दूर तक सुनने वाले लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले अच्छा बहुत अच्छा विधान कर लिया, प्रतिष्ठा कर ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन प्रतिष्ठा तो तब होगी जब आप गुरुदेव के पास पहुंच करके बात रखें, कहें भगवान हमने अज्ञानतावश इस तरीके से अगर गलत विधि से प्रतिष्ठा कर दी है, इसका क्या प्राश्चित होगा, कैसे उसकी शुद्धि होगी, कृपया आप निर्देशित करें। अभी भी बहुत अच्छा समय है बंधुओं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब, अहिंसा परमो धर्म कीजिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तु देवि।